दुनिया भर में मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर अब प्रसाद को लेकर चर्चा में है। ये प्रसाद बांटने की परंपरा 200 साल पुरानी है। मान्यता है कि बालाजी का दर्शन प्रसाद के बिना अधूरा है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस मंदिर का खास प्रसाद कैसे बनता है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है और क्या है इस मंदिर का रहस्य। खबरों की माने तो तिरुपति मंदिर में प्रसाद देने की परंपरा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 1803 में की थी। तब बूंदी को प्रसाद के तौर पर बांटना शुरू किया गया था, लेकिन साल 1940 में ये परंपरा बदल दी गई। बूंदी की जगह लड्डू ने ले ली और इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ने साल 1950 में प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की मात्रा तय कर दी। साल 2001 में आखिरी बार नियम में बदलाव किया गया जो आज तक लागू है। तो चलिए जानते हैं कि इस मंदिर में खास प्रसाद आखिर बनता कैसे है। तिरुपति मंदिर में खास तरह के लड्डू का प्रसाद मिलता है। माना जाता है कि इस प्रसाद के बिना दर्शन पूरा नहीं होता। मंदिर में अलग तरीके से प्रसाद बनाया जाता है। पूरी शुद्धता के साथ इसका निर्माण होता है। यहाँ लड्डू पोटू नाम से एक रसोई घर है जहाँ प्रसाद के लड्डू तैयार किए जाते हैं। पहले प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन साल 1984 के बाद LPG गैस का इस्तेमाल होने लगा। लड्डू पोटू में हर दिन 800,000 लड्डू तैयार करने की क्षमता है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल होता है, इसे दित्तम कहा जाता है। ये प्रसाद बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उसके अनुपात की लिस्ट है। दित्तम में अब तक के इतिहास में सिर्फ 6 बार बदलाव किया गया है। मौजूदा समय में प्रसाद में बेसन, काजू, इलायची, घी, चीनी, मिश्री और किशमिश मिलाया जाता है। हर रोज प्रसाद तैयार करने के लिए 10 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलो काजू, 150 किलो इलायची, 300 से 400 लीटर घी, 500 किलो मिश्री और 540 किलो किशमिश का इस्तेमाल होता है। लड्डू पोटू में लड्डू बनाने के लिए 620 रसोइये रोज काम करते हैं। इन्हें पोटू कर्मिकुलू कहा जाता है। इन कर्मचारियों में से 247 शेफ हैं जो लड्डू बनाते हैं। ये लड्डू भी अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। एक होता है प्रोक्तम लड्डू जो मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को नियमित तौर पर दिया जाता है। ये 60 से 70 ग्राम का होता है। दूसरा स्थानम लड्डू होता है जिसे विशेष त्योहार पर बनाया जाता है। इसका वजन 750 ग्राम होता है। इसमें काजू, बादाम और केसर अधिक मात्रा में होता है। तीसरा कल्याणम तोस्वम लड्डू होता है जो कुछ विशेष भक्तों को दिया जाता है। इन लड्डुओं की भी बहुत डिमांड रहती है। यहाँ का प्रसाद तो है ही खास, यहाँ के रहस्य भी लोगों को हैरान करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े रहस्यों को। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल है वो असली है। ये बाल हमेशा मुलायम रहते हैं। माना जाता है कि भगवान साक्षात यहाँ विराजमान है। भगवान की मूर्ति को पसीना आता है, पसीने की बूंदें दिखाई देती हैं। इसके अलावा गर्भगृह में घुसते ही प्रभु की प्रतिमा बीच में दिखाई देती है और जब गर्भगृह से बाहर आते हैं तो भगवान की मूर्ति दाहिने तरफ दिखाई देती है। इसके अलावा जब भगवान का स्नान कराने के लिए उनका श्रृंगार हटाया जाता है और चंदन का लेप हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माँ लक्ष्मी की छवि दिखाई देती है। माना जाता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है। यही वजह है कि मूर्ति को स्त्री और पुरुष दोनों के पोशाक पहनाए जाते हैं। इस मंदिर में दिन रात दिया जलता रहता है, लेकिन रहस्य ये है कि इसमें कभी भी किसी ने तेल या घी नहीं डाली है। कहते हैं मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। ये वो रहस्य है जो आज भी बरकरार है। इनकी इसी चमत्कारिक रूप को देखने देश विदेश से भक्त खींचे चले आते हैं और एक झलक पाकर खुद को धन्य मानते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।